हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अगर बुक की मैं बात करूं तो मैंने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार जो है एग्जाम में आ चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द बेस्ट सीजन फॉर जूट कल्टीवेशन इज। देखिए आपसे पूछा गया है, इंग्लिश में क्वेश्चंस है तो इसके लिए जो है घबराना नहीं है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। बस जिनकी हिंदी है ना, एक नोटबुक ले लीजिए और पेन पेपर पे सारे क्वेश्चन का जो है आप वन लाइनर की तरह आंसर लिखते जाना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे बढ़िया जो है मौसम कौन सा होता है जूट के, खेती के लिए। कल्टीवेशन को खेती बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे बेस्ट सीजन क्या है जूट के कल्टीवेशन के लिए, समर का सीजन, विंटर सीजन, ऑटम या फिर रेनी। तो इसका सही जवाब देखिए रेनी होगा। अगर आप एनसीईआरटी के बुक को पलटोगे ना तो आपको आंसर मिल चुका होगा। देखिए मैं आपको यहाँ से कुछ चीजें दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है एनसीईआरटी के बुक की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से देखो, जूट इज अ ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि जूट की खेती के लिए जो है आपको कैसा मौसम चाहिए, गर्म मौसम चाहिए। कितने डिग्री का टेम्परेचर, 24 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है। अगर रेनफॉल की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल की इसको ज़रूरत होती है, 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर की रेन होनी चाहिए, 120 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। आगे देखिए कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए मैंने सभी MCQs को नहीं लिया है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन के लिए रखा है ताकि आप जो है उसे पेन पेपर पर नोट डाउन करते जाएं। 80 से 90% जो है ह्यूमिडिटी होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे देख लो, ये भी आई है एग्जाम में, यही सवाल जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। लगभग 85% जो दुनिया में जूट जो है खेती जूट की जाती है ना, वो गंगा के डेल्टा के आसपास से जो है खेती की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। और यहां से आपको पिक्चर तो दिखाई दे रही होगी, ये जूट के जो है पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए यहां से देखो, ये जो है फाइनली ये देखो जूट तैयार हो चुका है, ठीक है। जूट जो है रेनी सीजन है, ये आपका आंसर हो गया। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको यहाँ से दिखेगा। इसकी जो है बुआई, यानी कि इसे जो है सो कब कर दिया जाता है, तो मार्च से लेकर मई तक जो है इसे क्या किया जाता है, इसकी बुआई की जाती है। अच्छी बात है। काटा कब जाता है, हार्वेस्टिंग इसकी कब की जाती है, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। आप जो है फसल तैयार हो चुका है उसे आप घर ले जाते हो काटकर, दैट मींस हार्वेस्टिंग। जून से सितंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप कि आपने लिख रखा होगा। आंसर की बारी आती है तो आपको पता ही है कि जूट कल्टीवेशन का जो टाइम है रोपने का, वो जो सीजन है वो क्या है, रेनी सीजन इज द राइट आंसर। डी के साथ आपको बढ़ना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच इज अ नेचुरल फाइबर। देखिए बात करें अगर फाइबर की, तो देखिए नेचुरल का भी दो पार्ट है, लेकिन अगर आप सिर्फ फाइबर को कैटेगराइज करोगे, ओनली फाइबर को, तो यहां से देखिए ये जो है पहला क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा नेचुरल फाइबर, एक आ जाएगा सिंथेटिक। कुछ सेमी सिंथेटिक फाइबर भी होता है, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। एक होता है नेचुरल फाइबर और यानी कि जो प्राकृतिक है, और दूसरा क्या है सिंथेटिक, जो हम लोग केमिकल के माध्यम से बनाते हैं। तो ये क्या होता है, सस्ता होता है। नेचुरल वाला क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने कॉटन का जो है कपड़ा पहना होगा तो कॉटन की जो है प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, और सिंथेटिक फाइबर अगर आप खरीदोगे तो इसकी जो है प्राइस तो आपको कम पड़ेगी। साथ में एक बात का खास ख्याल रखिएगा, नेचुरल में जो लिनन है ना, इसकी जो है बहुत, ये एक्चुअली क्या होता है, महंगा होता है। इसका रीजन क्या है, लिनन को जो ना है बिल्कुल प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी ये जो है रेट इसके ज्यादा आपको देखने को मिलता है मार्केट में। अब यहाँ से पूछ लिया गया है नेचुरल फाइबर क्या होता है, सिल्क, नायलॉन, रायन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले देख लो, नायलॉन तो होगा नहीं ऑप्शन में, रायन भी नहीं होगा। देखिए नायलॉन का जो नाम है ना, ये पहले मैं आपको इसका नामांकन के बारे में थोड़ा बता दूं। न्यूयॉर्क को अगर आप देखोगे ना तो NY उसमें आता है, तो देखो वहां से NY लिया गया है, और लंदन का LON, ये तीन वर्ड लिया गया है, और यहां से जो है नायलॉन बना है। एक्चुअली न्यूयॉर्क और लंदन में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, नायलॉन की, सिंथेटिक फाइबर है ये, तो वहां से जो है इसका नाम रखा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। अब देखिए मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं, जो क्लासिफिकेशन है यानी कि वर्गीकरण वो दिखा देता हूं। एग्जाम में शायद ये भी पूछ लिया जाए कि सेल्यूलोज किसे कहते हैं, तो देखिए जो वेजिटेबल वाला प्लांट वाला है ना, उसे हम लोग सेल्यूलोज बोलेंगे। पौधे से जो मिलता है उसे हम लोग सेल्यूलोज बोलेंगे, और जो एनिमल से मिलता है उसे हम लोग प्रोटीन बोलेंगे। एग्जाम में शायद ये पूछ दिया जाए, तो मैंने सोचा इसे भी मैं आपके साथ रख देता हूं। यहां से आप देख पाओगे, एनिमल से देखिए आप जो है सीप या गोट यानी कि बकरी से जो है ऊन वगैरह निकालते हो, सिल्क वहां से निकालते हो, ठीक है। सिल्क मौत आपको पता ही होगा, वहां से जो है चीजें निकलती है। अब यहां से देख लो, मिनरल्स वगैरह से भी हम लोग निकालते हैं और प्लांट से भी निकालते हैं,
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चीजों को हम लोग अगले। फिलहाल जो है इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्क जो है आपका नेचुरल फाइबर है, एनिमल फाइबर है ये भी याद रख लेना आप। अगर टू बी प्रिसाइज मैं बोलूं तो ये क्या है, एनिमल फाइबर है, ठीक है, इसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके सामने ये रहा, क्या है क्वेश्चन, द क्लोथ्स आर मेड ऑफ अ थिनर एंड थिनर। देखिए जो जो आप कपड़े पहन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो कपड़े पहनकर, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ कपड़े पहनकर, तो हर कोई जो है कपड़े से ढका हुआ है और कपड़ा जो है ना बहुत ही थिन अलग अलग धागे से मिलकर बनता है। अब आपसे पूछ लिया गया इसे क्या कहते हैं, अब देखिए इसका आंसर हमें कौन बताएगा, एनसीईआरटी बताएगा, इसका आंसर कौन बताएगा, एनसीईआरटी। यहां से देखो मैं एनसीईआरटी वाले पेज का जो है ना स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा है, यहां से देखो अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6 के बुक को खोलोगे ना तो ये चैप्टर आपको वहां से मिलेगा, क्लास 6 की बात हो रही है यहां पे। देखो अब यहां पे देखो यहां पे क्या लिख रहा है, देखो ये जो कपड़ा है ये इसे अलग अलग जो है थ्रेड से अलग किया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, यहां देखो इसका आंसर है, द थिन स्टैंडर्ड ऑफ अ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टील थिनर स्टैंडर्ड, यानी कि जो है बहुत ही पतला पतला जो है उसे हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फाइबर्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा फाइबर, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई होगी। यहां से एक फोटो भी देख लो आप, यहां से जो है फोटो भी आपको दिख रहा होगा, खैर वो इस क्वेश्चन के लिए फोटो था। सेपरेशन ऑफ फाइबर्स, अभी मैंने आपको फाइबर्स के बारे में बताया कि जो पतला पतला धागा है उसे फाइबर कहते हैं। अब ये पूछा गया कि कॉटन से जो फाइबर है, देखो कॉटन में क्या होता है ना कि जब आप कॉटन के प्लांट को देखोगे तो उसमें होता है बहुत सारे जो है बीज सीड्स लगे हुए होते हैं, तो उसे कैसे अलग करते हैं। तो देखिए आपके बचपन में लड़के लड़कियों के जू कभी ना कभी हो जाती है, ठीक है, जू अगर आपके जो है सर में हो जाता है तो आपकी माएँ जो है या पापा भी, मैं जेंडर बायस नहीं होना चाहता हूं, तो आपके सर से जू निकालने के लिए आपके माँ पिताजी ने क्या किया होगा, एक बहुत ही पतली कंघी ली होगी, कॉम किया होगा आपको बहुत ही पतला, तो मैं यहाँ पे वो नहीं बना पा रहा हूँ, और उससे क्या है ना आपका जो जू है वो अलग हो जाता है। तो सेम जो है इसे कॉम्बिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। यहां से आप पहले फोटो देख लो, इसके बाद पूछा गया है कि जब हम लोग ये कॉटन को सीड से जो अलग करते हैं, बीज को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो मैं आंसर आपको बता दूं, ये गिनिंग होगा, ठीक है, ये क्या होगा, गिनिंग। अब देखिए मैं फोटो और जो चीजें हैं वो आपको समझा देता हूं। ये देखो ये जो है एक मशीन के सामने जो है एक महिला काम कर रही है, यहाँ पे ये वर्कर है, और यहां से जो है ना सीड को अलग किया जा रहा है, सीड को क्या किया जा रहा है, कॉटन से अलग किया जा रहा है। ये तो मशीन वाली बात हो गई, सिचुएशन हो गई। अब नॉर्मली जो है, नॉर्मली आप अपने गांव में जो है, गांव में, शहरों में, कस्बों में इसे देख सकते हो, उसकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो ये जो है कॉम्बिंग की जा रही है, जिसे हम लोग गिनिंग कहते हैं, ये क्लास 6 के बुक में आपको देखो यहां पे मिलेगा। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड, यानी कि बीज से उसे अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को गिनिंग जो है, गिनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है। यहां से जो है आपको यहां पे इसकी जानकारी मिल जाएगी, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जूट फाइबर, जूट जो है, जूट का जो प्लांट है, आप जो है उससे फूल से, फल से, पत्ते से कहां से जूट निकालते हो, ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए इसका भी सवाल का जो आंसर है ना एनसीईआरटी के बुक में एकदम स्पष्ट और वेरी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ये देखो यहां से देखो जूट वाला जो है प्रोसेस, यहां देखो एनसीईआरटी का लोगो भी आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये जूट है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट, यानी कि तना से जो है आप क्या करते हो, जूट निकाल लेते हो। मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाया था, आपको याद होगा, देखिए ये जो है जूट, ये तो खैर जूट आपको दिख रहा होगा, ये रहा जूट का प्लांट आपको दिख रहा होगा, और मैंने आपको अभी तुरंत जो है जूट का जो है छोटा सा प्लांट भी दिखा दिया है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग जो है जूट फाइबर कहां से लेते हैं, स्टेम से लेते हैं, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत बहुत VVI, अगर वो बोला जाता है ना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने होंगे ना फाइबर टू फैब्रिक से, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली नंबर वन पे आएगा। क्या है ये सवाल, यहां से देखो, नंबर ऑफ येन्स यूज टू मेक द फाइबर बाय द वीविंग एंड नाइटिंग। देखो वीविंग की अगर मैं बात करूं ना, तो वीविंग जो है दो अलग अलग सेट से बनाए जाते हैं, और जो निटिंग है ये जो है एक सेट से बनाया जाता है। अब बोलोगे कि भैया आपको कैसे पता, मैं आपको बिल्कुल बुक वाले लैंग्वेज की ओर लेकर चलता हूं। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, ये जो है काले और लाल धागे से तैयार किया जा रहा है, दैट्स कॉल ये वीविंग है। ये क्या है, वीविंग है। स्वेटर वगैरह में या फिर आप शर्ट के कपड़े में देखना, दो अलग अलग थ्रेड्स आपको दिखाई देंगे, कभी रेड, व्हाइट, ब्लैक आप यूज करते हो। अब यहां से देखो इसका मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूं आपको।
यहां से देखो वीविंग यहां पे दे रखा है इन्होंने। अब ये देखिए किससे बनता है, यहां पे देखो इस लाइन को पढ़ो, फाइबर इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न्स, यानी कि ये जो है दो सेट से मिलकर बनता है। एक आंसर तो मिल गया आपको, ये तो हो गई वीविंग की बात। अब बात करते हैं वीविंग के अलावा जो है, यहां से आप देख पाओगे, ये देखो ये जो है ये क्या है, यहां से देखो वेट इज अ सिंगल यार्न, ये जो निटिंग है ये सिंगल यार्न है, यानी कि जो वीविंग है वो सेकेंड दो सेट से मिलकर बनता है और ये जो है एक सेट से मिलकर बनता है, कौन, ये निटिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, वीविंग ऑफ अ फैब्रिक इज डन इन, देखो वीविंग जो है अभी मैंने आपको बताया वीविंग हो रहा है, उसको प्रोसेस जो है किस माध्यम से आप करते हो, किस मीडियम के माध्यम से आप करते हो, हैंडलूम से करते हो, पावर लूम से करते हो, या फिर दोनों से, या फिर टकली। तो ये नाम आपको लग रहा होगा कि ये गलत है क्या, टकली नहीं, टकली गलत नहीं है, एक्चुअली टकली और जो चरखा है ना दोनों सेम काम करते हैं और ये वीविंग भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से पूछा गया जो आंसर है वो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या फिर इक्विपमेंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के द्वारा जो है आप चीजों को डन करते हो, दैट्स कॉल्ड पावर लूम। हैंडलूम की बात करें तो आप हाथों से जो है इसे कर लेते हो छोटे छोटे यंत्र के माध्यम से, ठीक है। फोटो में दिखाऊंगा आप चीजों को जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है समझ पाओगे। यहां से देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा, ये देखो फोटो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक जो है महिला बैठी हुई है और ये हैंडलूम वाला काम कर रही है, यहां से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि लूम जो है ये इसे किया जाता है, लूम इसे जो है हैंडलूम बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर लूम। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, स्पिनिंग डिवाइस जो है कौन सा है, मैंने क्या कहा था अभी आपको, चरखा और जो टकली है ये क्या है, ये जो है चरखा और टकली क्या स्पिनिंग है, स्पिनिंग डिवाइस जो है उसे स्पिन करके जो है चीज और उसे जो है जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है उसे हटाया जाता है, ठीक है। स्पिनिंग जो है किससे किया जाता है, टकली और चरखी से। गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, गांधी जी चरखा से बहुत एसोसिएटेड इंसान थे। देखिए ये जो यान है ना, आई मीन जो धागा है, लंबा सा धागा जो है तैयार किया जाता है उसे यान बोला जाता है, इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। और ये जो है किससे तैयार किया जाता है, ये जो है तैयार किया जाता है टकली और चरखा से। यहां से देखो ये जो है चरखा यूज किया जाता है, इसको जो है टकली भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। टकली से वो इंसान टकला टकली वाला मत समझ लेना, ठीक है। यहां पे ये क्या है, एक गैजेट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर कौन सा है। मैंने आपको बताया था ना नेचुरल फाइबर में एक प्लांट फाइबर मिलेगा और एक आपको मिलेगा एनिमल फाइबर, ठीक है। प्लांट यानी कि पौधे से जो हम लोगों को फाइबर मिलता है, और एनिमल जो कि हम लोगों को एनिमल के माध्यम से मिलता है, सीप गोट, ये जो आप समझ ही रहे हो कश्मीरी जो गोट होते हैं ना, पश्मीना सॉल वगैरह वहां से बनाया जाता है। कश्मीर में भी आपको, राजस्थान में भी कुछ मिलेंगे, कुछ पंजाब में भी आपको मिलेंगे। फिलहाल हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर। प्लांट से देखो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कॉटन जो है आपको कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। इसकी फोटो मैं दिखाता हूं, कॉटन जो है आपको कैसा दिखेगा, यहां से देखो फोटो आपको दिखेगा, ये देख लो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, कॉटन है। एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक है ये, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, बट आपको कॉटन आपने जरूर देखा होगा। क्वेश्चन देखो इसे एक दो और भी आते हैं ना कि कॉटन जो है ये कहाँ पे तैयार किए जाते हैं, सबसे ज्यादा कॉटन आपको कहाँ मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा गुजरात, याद रखिएगा, शायद आगे मैंने क्वेश्चन भी डाल रखा है। और अगर मैं जूट की बात करूं, देखो इसका पड़ोसी में ही जूट है, पड़ोस में ही आपको जूट देखने को मिलेगा। जूट आपको सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, बिहार में और आसाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट इज, यानी कि जूट प्लांट को काटने का सही समय क्या है, जब ये मैच्योर स्टेज पे हो जाएगा तब इसे कट कर लेंगे, या फिर फ्लावरिंग स्टेज पे ये पहुंचेगा उससे पहले कट कर लेंगे, या फिर फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंचने पे ही इसे कट करेंगे, या एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग यानी कि फ्लावरिंग के बाद कभी भी इसे हम लोग कट कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तब हम लोग इसे क्या करते हैं, कट करते हैं। अब बोलोगे ठीक है भाई, लेकिन ये इसका थोड़ा सा कुछ प्रूफ वगैरह दोगे क्या, हाँ दूंगा प्रूफ। यहां से देखो ये रहा फोटो, जूट प्लांट की बात कर रहे हैं, यहां से आपको जूट प्लांट दिखाई दे रहा होगा, पतला सा है, बहुत ही कमजोर प्लांट इन्होंने लगा रखा है। मैंने मजबूत वाला प्लांट आपको शुरू में दिखा दिया था। यहां से देखो इसका जो है ना, जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टेड यानी कि इसकी कटाई की बात हो जा रही है, हार्वेस्टिंग मतलब काटना और कल्टिवेट मतलब किसी चीज को बोना या रोपना। अब यहां से देखिए फ्लावरिंग स्टेज पे ही जो है इसे क्या कर लिया जाता है,
काट लिया जाता है कब, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे रहेगा तब। चलिए 10 का क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेम ऑफ स्टेट्स, उस राज्यों का नाम आपको बताना है जहां पे कॉटन जो है ग्रो होता है। मैंने क्या बताया था, गुजरात नंबर 1 पे है और पंजाब भी आपको दिखेगा यहां पे, लेकिन देखो तमिलनाडु कहीं नहीं दिखेगा। तमिलनाडु जैसे ही दिखा ऑप्शन 2 आपका इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। इसी तरह से देखो ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहां तमिलनाडु ऑप्शन बी तो होगा नहीं, तो डी भी नहीं होगा, यानी कि दो ऑप्शन आपके पहले कट चुके हैं। अब बात आती है ना कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी थोड़ा थोड़ा जो है जूट, जो कॉटन है वो उगाया जाता है। यहां से मैप देखो आप, मैप से आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। यहां से देखिए राजस्थान चौथे नंबर पे है जूट उत्पादन में, पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आपको गुजरात जो है दिखेगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र दिखेगा, तीसरे नंबर पे तेलंगाना दिखेगा। तो जाओगे किसके साथ, जाना तो आपको जो है गुजरात के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा जो है आपको कपास यानी कि कॉटन की खेती होते हुए दिखेगी। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वी गेट जूट फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ, किसकी बात की जा रही है, जूट फाइबर की बात की जा रही है, कौन से प्रोसेस के माध्यम से जो है इसे हम लोग पाते हैं, किन किन चरणों से इसे गुजारा जाता है, उस चरण को क्या कहते हैं। तो देखिए जूट का पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा, और अभी हम लोगों ने जो है क्वेश्चन भी पढ़ लिया कि जूट के जो तने हैं उन्हीं को जो है हम लोग यूज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो तना है ना पतला सा, इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहां पे देखो आंसर इसी में है, ये लास्ट वाला लाइन पढ़ लो, द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय द हैंड। इसे हम लोग क्या करते हैं, पानी में 10 से 15 दिनों तक सड़ा देते हैं, इससे क्या होगा इसका जो अगला वाला जो परत है वो हट जाएगा, और इसे हम लोग यूज में लाते हैं। और इसे हटाते किससे हैं, हैंड के माध्यम से हटा लेते हैं, ये भी क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे, तो मैंने इसे भी यहां पे रख लिया ताकि आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाओ, समझ पाओ, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग जो है रेटिंग प्रोसेस के माध्यम से यानी कि सड़ाने के प्रोसेस से जो है जूट को पाते हैं। जूट फाइबर जो है सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर इनमें से कौन है, सिंथेटिक फाइबर की बात की जा रही है। देखिए सिंथेटिक फाइबर यानी कि केमिकल के माध्यम से बनाने वाला फाइबर, तो देखिए मैंने आपको नायलॉन बता दिया था, रायन, पॉलिस्टर, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, सिंथेटिक फाइबर हैं, मैन मेड फाइबर हैं, यानी कि इंसान जो ऐसे फैक्ट्री में बना सकता है, लैब में बना सकता है, नेचुरल में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। देखिए यहां से आप जो है अलग अलग जो है फाइबर के टेक्सटाइल की फोटो देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन एट वार्म प्लेसेस ब्लैक सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्म जगह पे ये उगता है और काली मिट्टी में जो है उपजता है, अच्छी बात है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर दिखेगा, ये रहा फोटो, देखिए इसका आंसर आपको यहां से दिखेगा, ये मैंने सर्कल कर दिया, कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, यानी कि ये वहीं पे उगेगा जहां पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट रहेगा, यहां पे इन्होंने स्पष्ट लिख दे रखा है, ठीक है, जहां पे गर्म रहेगा और क्या रहेगा, काली मिट्टी से मिलेगी, वहां पे ये उग जाएगा, यानी कि वेट, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चुका हूं, पिछले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो क्या है, कॉटन है, ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, मैं हिंट आपको कर देता हूं ताकि आपको चीजें जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। यहां से देखो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, यहां से पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा, ये लो, अब आप जो है चीजों को समझ गए होंगे कि मैंने हिंट भी दे दिया, नीचे कमेंट करके आपको बताना है और आपको लिखना है HW होमवर्क, और जो आंसर है आपका जिसे जूट है, कॉटन है, जो भी आंसर है, या ABCD जो भी आंसर है, वो आप यहां पे नीचे जो है कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, आई होप कि आपको ये जो फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर है क्लास 6, 7, 8 से मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक्स के साथ, आपको अगर 6, 7, 8 की और भी क्लासेस चाहिए होगी नीचे तो कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है और भी क्लासेस आपको चाहिए होगा सिंपल वे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, अपने दोस्तों तक इसे जरूर रेफर करें, शेयर करें, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।